अस्सलामु अलैकुम माय व्यूअर एंड माय सब्सक्राइबर, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद नदीम और आप मेरा चैनल देख रहे हैं ट्रैवल वीज़ा इन्फो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने भाइयों की खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हुआ हूँ एक एक्सेस स्टोरी के साथ। आपने थंबनेल पे भी देखा होगा और अभी आप एक मरतबा स्क्रीन पे भी देख लें कि स्पेन का वीज़ा लग के आया है 25 दिन के बाद, क्योंकि अभी स्पेन का प्रोसेसिंग टाइम बहुत कम हो गया है। तो 25 दिन के बाद आज 25वां दिन है, तो मेरे भाई को ये पासपोर्ट रिसीव हुआ है और उसने मुझे फ़ोन किया, फ़ोटो सेंड किया कि नदीम भाई बहुत मेहरबानी, आपने मुझे फ़ाइल तैयार करके दी, मुझे फ़ाइल बनाना सिखाई, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 25 दिन के बाद वीज़ा लग के आ गया। तो अभी हम बात करेंगे जो मेरे भाई स्पेन का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। तो आपको पता है कि स्पेन का वीज़ा अप्लाई करने से पहले स्पेन की अपॉइंटमेंट चाहिए, अपॉइंटमेंट BLS से मिलती थी। तो जब भी अभी स्पेन की अपॉइंटमेंट ओपन हुई थी, तो ओपन होकर जब क्लोज हुई है तो नोटिफिकेशन आता है कि हाँ जी नेक्स्ट ये डेट को फला महीने की डेट को ओपन होगी, मगर अभी BLS की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। पता नहीं कि स्पेन की अपॉइंटमेंट अभी ओपन होगी भी कि नहीं ओपन होगी। तो जो मेरे भाई स्पेन का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं उनको अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। जहाँ तक हमारा ख्याल है कि ये जो BLS वाले हैं ना, इन्होंने स्पेन के साथ कोई एग्रीमेंट था, वो एग्रीमेंट ख़त्म हो गया। अभी देखें ये जो स्पेन वाले हैं किन के साथ अपना एग्रीमेंट करते हैं, BLS के साथ था पहले, अभी पता नहीं किन के साथ करेंगे। चलो जो भी होगा अल्हम्दुलिल्लाह नोटिफिकेशन आएगा कि स्पेन की अपॉइंटमेंट अभी कैसे मिलेगी और कौन सा अदारा इसको डील करेगा स्पेन वीज़ा को, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। तो अभी हम बात करते हैं कि ये जो मेरे भाई का स्पेन का वीज़ा लग के आया इनकी प्रोफाइल कैसी थी। तो इससे पहले अभी तक जो भी मेरे भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो कि आने वाली अच्छी इन्फॉर्मेटिंग वीडियो आप तक जल्दी से पहुंचती रहे। तो ये छोटी सी वीडियो बना के मैं अपने भाइयों को गा करने की कोशिश करूंगा कि जो भी मेरे भाई कोई बड़ी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं वो कैसे अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाए। स्पेशली मैंने उस पर वीडियो बनाई हुई है हम कैसे कोई भी बड़ी कंट्री का वीज़ा हासिल करने के लिए बैंक स्टेटमेंट कैसे मेंटेन कर सकते हैं और टैक्स रिटर्न कैसे हम दे सकते हैं। तो ये जो मेरे भाई का, ये मेरे सब्सक्राइबर है, इनका वीज़ा लग के आया 25 दिन के बाद और इनकी प्रोफाइल 17 लाख रुपया इनके अकाउंट में था और इनकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट भी लिखाई थी 6.5 लाख रुपया उसमें था। तो 2 साल के इनके टैक्स रिटर्न थे और 2 दफ़ा इनका चैम्बर ऑफ कॉमर्स का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिन्यू हुआ था। और जो इनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी वो टर्की का एक था और एक अजरबैजान की इनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी, बस 2 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनको वीज़ा ग्रांट हो गया। तो जो मेरे भाई को बड़ी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, मैंने कितनी मरतबा वीडियो में बताया कि ज़्यादा फोकस आप अपनी बैंक स्टेटमेंट पे दिया करें अच्छे तरीके के साथ, जैसे एक बिजनेसमैन होता है अच्छे तरीके के साथ अपनी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन किया करें। और जितना आपका क्लोजिंग बैलेंस हो, जितनी आपकी ट्रांजैक्शनें हुई हो, वो हिसाब के साथ अगर आप टैक्स पे करते हैं तो कोई भी बड़ी कंट्री का आप वीज़ा हासिल कर सकते हैं बिना एजेंट एम्बेसी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पर। तो जो मेरे भाई को मेरी हेल्प की ज़रूरत हो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकता है, जहाँ तक होगा मैं अपने भाइयों की रहनुमाई करूँगा। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, वो भाइयों तक चली जाए जो भी स्पेन का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा स्पेन अपॉइंटमेंट का। तो इंशाल्लाह मिलते हैं ऐसी ही कोई नेक्स्ट अथेंटिक वीडियो पर। अस्सलामुअलैकुम।